एग्जाम्स यार बार बार क्यों आ जाते हैं? इनका नाम सुनते ही मुझे स्ट्रेस हो जाता है। भाई तेरा प्रिपरेशन कितना हुआ है? व्हाट कंप्लीट? यार मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। चल तू फोन रख, मैंने डिसाइड कर लिया है आज से खेलना कूदना खाना पीना सब बंद। रात में सिर्फ कॉफी पीकर पढ़ूंगा और एग्जाम में टॉप करूंगा। जय महेशमती। ये था हमारा गुड्डू। देखा ना, केवल एग्जाम के डेट शीट देखते ही कैसे उसके पसीने छूटने लगे। क्या एग्जाम डेज में आपका भी हाल हमारे गुड्डू जैसा हो जाता है? फिकर नॉट वॉरियर्स, आपका सारांश हाजिर है एग्जाम डेज के बेस्ट डाइट प्लान के साथ, जो आपको परीक्षा के दिनों में स्ट्रेस फ्री रखेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन में बेहतर कंसंट्रेट कर पाएंगे और यकीनन एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप जानते हैं, एग्जाम डेज बाकी के नॉर्मल डेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस समय हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और ऐसे में ब्रेन को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, ताकि दिमागी थकान, स्ट्रेस, सिर दर्द और बहुत ऐसे प्रॉब्लम से बचा जा सके और कहीं आपका हाल हमारे गुड्डू जैसा ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं इस खास डाइट प्लान के बारे में। सुबह उठते ही आप बादाम खाकर अपने दिन की शुरुआत करें। बादाम एक बहुत अच्छा ब्रेन फूड है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। आप रात में सोने से पहले 4-5 बादाम भिगोकर रखें और सुबह उठते ही इनके छिलके उतारकर इन्हें खाएं। आप अखरोट भी खा सकते हैं, ये भी ब्रेन फूड का बहुत अच्छा सोर्स है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आगे चलकर आपके दिमाग को सबसे अच्छा काम करने में मदद करता है। बादाम और अखरोट दोनों ही आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाश्ते में एक ग्लास दूध पिए, इसके साथ ब्रेड और बॉयल्ड एग भी खा सकते हैं। एक कटोरी स्प्राउट्स खाना भी बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि स्प्राउट्स प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप नाश्ते में दही भी शामिल कर सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होता है, जो आपके ओवरऑल डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। फंडा सिर्फ इतना है कि आपका नाश्ता हल्का और न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिससे आपके ब्रेन को एनर्जी मिलेगी और वो ज़्यादा एक्टिव रह सकेगा। आपका नाश्ता सुबह 9 बजे तक ख़त्म कर लें और फिर पढ़ने बैठ जाएं। जरूरी है कि आप अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इसलिए समय समय पर पानी पीते रहें। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच 11-12 बजे शॉर्ट इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाते रहें। आप इस दौरान फ्रूट्स खा सकते हैं या फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। नारियल पानी, छाछ या लस्सी पीना भी शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। आप लंच में रोटी या ब्राउन राइस, दाल, सब्जी, दही और खास करके सलाद खाएं। ब्राउन राइस और रोटी की व्हाइट राइस के तुलना में लो जीआई होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब होने के चलते उसका हमारे बॉडी में डाइजेशन स्लो होता है और हमें थ्रू आउट द डे एनर्जी देने में मदद करता है। हरे पत्ते वाली सब्जियों को भी अपने लंच में शामिल करें। नॉन वेजिटेरियंस अपने खाने में हफ्ते में 2 बार मछलियाँ खाएं। एग्जाम के दिनों में ट्यूना, सैल्मन जैसे मछलियाँ खाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के चलते हमारे कंटिन्यूसली स्टडी करने पर जो बैक पेन होने लगता है, उससे रोकने में ये मदद करते हैं। असल में ये हाई क्वालिटी प्रोटीन वाली मछलियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हैं। इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम आदि पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाया जाता है, जो स्पेशली दिमाग बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। डिनर की बात करें तो आप रात 9 बजे से पहले अपना डिनर ख़त्म कर लें और जितना हो सके डिनर हल्का ही करें, जैसे रोटी, दाल, सब्जी और सलाद में गाजर खाएं, क्योंकि गाजर में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, जो कि एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स में होने वाले कमर दर्द को रोकता है और तनाव से भी राहत देता है। रात में सोने से 1-2 घंटे पहले डिनर इसलिए कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे नींद अच्छी आती है और दिमाग को प्रॉपर रेस्ट मिलता है, जो कि एग्जाम के दिनों में बहुत ज़रूरी है।
अपने पानी पीने का खास ख्याल रखें और पूरे दिन में बीच बीच में पानी पीते रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाने से फिर आप सुस्त, आलसी और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। जितना हो सके एग्जाम टाइम में ऐसे कम ड्रिंक्स पिएं जिसमें कैफीन ज़्यादा होता है, क्योंकि चाय, कॉफ़ी आदि माइल्ड डायूरेटिक्स होते हैं जो कि शरीर में फ्लूइड लॉस करवाते हैं। अब ऐसे में आपको बार बार अपनी पढ़ाई से उठकर टॉयलेट के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए ये चाय कॉफ़ी पीकर पूरी रात पढ़ने की गलत आदत ना पालें। हाईली बेक्ड, हाईली फ्राइड, हाई इन फैट्स, हाई इन कार्ब्स वाले खाना खाने से बचें। ब्रेकफास्ट में बिल्कुल भी ऑयली फूड्स जैसे पूरी, वड़ा, छोले भटूरे आदि ना खाएं, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट आपको लंबे समय तक पेशेंटली वेट कर पढ़ने नहीं देता। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, जो कि हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए प्रोटीन रिच फूड खाएं, क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। अपने मील्स में ज़्यादा फल और सब्जियाँ शामिल करें। भले ही हमारा दिमाग लगभग 1.4 केजी का है, पर वो हर दिन हमारे शरीर का 20% तक का एनर्जी इस्तेमाल करता है, जो एनर्जी ग्लूकोज के रूप में हमें हमारे खाने से आती है। इसीलिए दिन भर में दिमाग को एनर्जी का स्टेडी सप्लाई रहना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये इस बात का ध्यान रखे कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम ना हो और ध्यान भटके नहीं। एग्जाम की एक रात पहले हेल्दी डिनर और एग्जाम की सुबह एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करके जाना आपको बहुत एक्टिव और रिफ्रेशिंग फील करवाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि अब से आप लोग अपने एग्जाम के टाइम में भी अपना सेहत और पढ़ाई दोनों का ख्याल रखेंगे। जाने से पहले इतना कहना चाहूँगा कि यार, लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, और जब बात अपने हेल्थ की हो तो कभी नहीं। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।